एक्सरसाइज 3.4 में हमारे पास जो पहला सवाल है, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी का क्रॉस स्केलेटल प्रोडक्ट हमने मालूम करना है और प्रूफ करना है कि तीनों वैल्यूज़ बराबर हैं। जब हम ए डॉट बी क्रॉस सी मालूम करते हैं तो पहले लाइन में ए के जो आई जे के कोफिशेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है 3, फिर है -1, फिर -2, बी के लिए है 2, 3 एंड -1, सी के लिए है -1, 2 एंड -3। तो सिंप्लीफाई करने से 3 बाहर, 3 इंटू -3 -9, 2 इंटू -1 -2, जिसको कि हम +2 कर देंगे। -1 का साइन चेंज करने से +1, इसका रो कॉलम छोड़ देते हैं। 2 इंटू -3 -6, -1 इंटू -1 +1, साइन चेंज कर देंगे, -2। 2 इंटू 2 इज 4, -1 इंटू 3 इज -3, जिसका हम साइन चेंज करके +3 कर देंगे। तो -9 +2 से -7, -7 इंटू 3 इज -21, ये -7 और ये भी हमारे पास 4 प्लस 7, 7 टू आर 14। तो आंसर आ गया 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 1 12, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, सो -42। इसी तरीके से अब अगर हम बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए मालूम करें, तो पहली लाइन में बी के जो कोफिशेंट्स हैं आई जे के वो लिखते हैं 2, 3, -1। दूसरी लाइन में सी के जो आई जे के कोफिशेंट्स हैं -1, 2 एंड -3, और फिर ए के जो आई जे के कोफिशेंट्स हैं 3, -1, -2। सिंप्लीफाई करने से 2 बाहर, 2 इंटू -2 इज -4, -1 इंटू -3 +3, जिसको हम साइन चेंज करके -3 लिख देंगे। 3 का साइन चेंज करके -3, इसका रो कॉलम छोड़ देंगे। -1 इंटू -2 +2, 3 इंटू -3 इज -9, जिसको कि मैं +9 लिख दूंगा। -1 बाहर, इसका रो कॉलम छोड़ देंगे। -1 इंटू -1 +1, 3 इंटू 2 इज 6, तो -6। ये बनेगा -7 इंटू 2 इज -14, 9 प्लस 2 11, तो -33, और 1 -5, तो ये बना -5 -1 +5, से बना जाए -47, और -47 +5 -42। तो ये वही आंसर है जो कि अभी हमने पहले फाइंड किया। इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए के बराबर है। अब तीसरी वैल्यू जिसके इक्वल हमने इसको प्रूफ करना है वो है सी डॉट ए क्रॉस बी। इसमें हम फर्स्ट लाइन में सी के जो आई जे के कोफिशेंट्स हैं -1, 2 एंड -3, उसके बाद बी में जो आई जे के कोफिशेंट्स हैं वो हैं जी 2, 3 एंड -1, और नहीं ये गलत हो गया, ए के जो हमारे पास कोफिशेंट्स हैं 3, -1 और -2, और बी के जो कोफिशेंट्स हैं वो हैं जी 2, 3 एंड -1। तो सिंप्लीफाई करने से -1 बाहर, इसका रो कॉलम छोड़ दें, तो -1 इंटू -1 +1, 3 इंटू -2 इज -6, जिसको कि हम +6 कर देंगे। 2 का साइन चेंज करके -2, 3 इंटू -1 इज -3, 2 इंटू -2 इज -4, जिसको कि हम +4 कर देंगे, और -3, इसका रो कॉलम छोड़ने से 3, 3 इज़ 9, और 2 इंटू -1 इज -2, जिसको कि हम +2 कर देंगे। तो ये बनेगा जी -7, और यहाँ पे -2, और 9 +2 11, और -33, तो 3 प्लस 2 5 7, और 5 12, और 3 प्लस 1 4, तो -42 से भी आंसर आ गया। तो देयर फोर ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये तीनों वैल्यूज हैं वो हमने इक्वल प्रूफ कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास जिस रिजल्ट को प्रूफ करना है, सबसे पहले हम ए डॉट बी क्रॉस सी मालूम कर लेते हैं।
एक में जो आई जे के क्वेश्चन हैं तो वन वन ज़ीरो, क्योंकि के यहाँ पे नहीं है। बी में आई नहीं है तो ज़ीरो, जे को कोफिशेंट वन, के को कोफिशेंट वन। सी में आई को कोफिशेंट वन, जे का कोफिशेंट ज़ीरो, के का कोफिशेंट वन। सिंप्लीफाई करने से वन बाहर, वन इंटू वन, वन माइनस ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो इंटू वन इज़ ज़ीरो माइनस वन, और यहाँ पे माइनस ज़ीरो, उसके आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वन और प्लस वन, तो आंसर हमारे पास आ गया टू। इसी तरीके से अगर मुझे माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे माइनस बी के लिए जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं, आई का कोएफिशिएंट नहीं है तो ज़ीरो, जे का कोएफिशिएंट वन, के का कोएफिशिएंट वन। ए में मेरे पास आई का कोएफिशिएंट वन और जे का कोएफिशिएंट वन, के नहीं है ज़ीरो, और सी के कोएफिशिएंट के तौर पर आई का कोएफिशिएंट वन, जे नहीं है, के का कोएफिशिएंट वन। सिंप्लीफाई करने से मेरे पास बनता है ज़ीरो, यहाँ पे माइनस वन, इसका रो कॉलम छोड़ देते हैं, वन इंटू वन वन, माइनस ज़ीरो, और यहाँ पे प्लस वन, तो वन माइनस ज़ीरो। इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास आता है जी, यहाँ पर मुझसे गलती हुई, वन के साथ ब्रैकेट में वन इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो एंड माइनस वन इंटू वन इज़ माइनस वन, लिहाजा हमारे पास ये बनेगा माइनस माइनस वन, और यहाँ पे भी वन इंटू माइनस वन इज़ माइनस वन, सो माइनस वन एंड माइनस वन माइनस टू, माइनस टू इंटू माइनस प्लस टू। तो इससे भी हमारा वही आंसर आया है जो कि यहाँ पे पहले रिज़ल्ट से आया। उसके बाद नेक्स्ट रिज़ल्ट के लिए मेरे पास है माइनस ए सी क्रॉस बी, तो माइनस बाहर, ये डॉट और सी इकट्ठा नहीं, सिर्फ क्रॉस लिखना है। तो हमारे पास जो ए के कोएफिशिएंट्स हैं वन वन ज़ीरो, बी के कोएफिशिएंट्स हैं वन सॉरी ज़ीरो, जी का कोएफिशिएंट वन, जे का कोएफिशिएंट वन, के का कोएफिशिएंट वन, और उसके बाद नहीं सी के क्वेश्चन लिखने हैं, तो मैं गलत लिख रहा हूँ। तो फिर मेरे पास सी के कोएफिशिएंट के तौर पर यहाँ पे वन, जे नहीं है ज़ीरो, के कोएफिशिएंट के तौर पर वन, और उसके बाद बी के कोएफिशिएंट के तौर पर आई का कोएफिशिएंट ज़ीरो, जे का कोएफिशिएंट वन, और के का कोएफिशिएंट वन। तो ये बनेगा माइनस बाहर वन के साथ, ज़ीरो इंटू वन इज़ ज़ीरो, वन इंटू वन इज़ वन माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन, वन इंटू वन इज़ वन, ज़ीरो इंटू वन इज़ ज़ीरो, और फिर माइनस प्लस ज़ीरो, और इसके आगे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बना माइनस वन, यहाँ पे भी माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू, एंड माइनस टू इंटू माइनस इज प्लस टू। तो यहाँ से भी हमारा वही रिज़ल्ट आया, हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें ये तीन वेक्टर्स को प्लानर प्रूफ करने हैं। पहला वेक्टर ए है, दूसरा बी, तीसरा वेक्टर सी। तो अगर हम ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें और हमारे पास आंसर ज़ीरो आए, तो तब ये वाले वेक्टर्स को प्लेनर होंगे, माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस टू, माइनस वन फोर एंड थ्री, माइनस वन टू एंड माइनस थ्री। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करता हूँ तो माइनस फोर बाहर, फोर इंटू माइनस थ्री इज़ माइनस ट्वेल्व, टू इंटू थ्री इज़ सिक्स, साइन चेंज कर देंगे, माइनस सिक्स से प्लस सिक्स बन जाएगा, माइनस वन टू माइनस थ्री इज़ प्लस थ्री, माइनस वन टू थ्री इज़ माइनस थ्री, इसका हम साइन चेंज करके प्लस थ्री कर देंगे, और उसके बाद माइनस टू एज इट इज़, माइनस वन इंटू टू इज़ माइनस टू, माइनस वन टू फोर इज़ माइनस फोर, इसका हम साइन चेंज करके प्लस फोर कर देंगे।
तो ये बनता है -18, -18 इंटू -4 इज +72, 3 + 3 = 6, 6 6 are 36, -2 + 4 इज +2, +2 इंटू -2 इज -4। अब ये वैल्यू जो कुछ भी बनती है ज़ीरो नहीं बनती, तो देयर फोर वैक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर। तो हो सकता है कि वैल्यू में कोई गलती हो, लेकिन अगर ज़ीरो आए तो कोप्लेनर है और ज़ीरो ना आए तो फिर नॉट कोप्लेनर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि ये तीन वेक्टर्स हैं, ये कोप्लेनर हैं, लैम्डा की वैल्यू को मालूम करें। तो मैं अगर ए डॉट बी क्रॉस सी मालूम करूं, तो यहाँ पे ए में जो आई जे के कोएफिशिएंट्स हैं 1, -2, 3, बी में जो आई जे के कोएफिशिएंट्स हैं -2, 3, -4, सी में जो आई जे के कोएफिशिएंट्स हैं -1, λ, and 2, तो इसको हम ज़ीरो पुट करते हैं फॉर कोप्लेनर। तो इसमें 1 बाहर, इसका रो कॉलम छोड़ देंगे, 3 × 2 = 6, और 4 × λ इज -4λ, जिसको कि हम +4λ लिख देंगे। -2 का साइन चेंज करके +2, -2 × 2 इज -4, -1 × -4 इज +4, साइन चेंज करके -4, +3 बाहर, -2 × λ इज -2λ, -1 × 3 इज -3, जिसको कि हम +3 कर देंगे, और ये वाली वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ से 6 + 4λ, और यहाँ पे -4 और -4 -8 और × 2 इज -16, और 3 × -2 इज -6λ, और 3 × 3 इज 9, और ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करके 9 + 6 इज 15, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2λ इज इक्वल टू 0। यहाँ से -1 इज इक्वल टू 2λ और λ इज इक्वल टू -1/2। तो अगर लैम्डा की वैल्यू -1/2 होगी तो ये वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें ये जो 4 पॉइंट्स इनको कोप्लेनर साबित करना है। अगर मैं इनसे बनने वाले वेक्टर्स ए बी मालूम करूँ, तो वो बनेगा 3 - -4λ - -4 - 5 - -++3, तो -2। इस तरीके से अगर ए सी मालूम कर लूँ, तो -3 - -+1, तो -2, 8 - 4 = 4, -5 - -+3, तो -2, और ए बी ए सी, उसके बाद अगर मैं ए डी मालूम करूँ तो वो मेरे पास बनता है -3 और -+1, तो -2, 2 - 4 - 2, and 1 - +3, सो 4। तो अब ये जो वेक्टर्स हैं इनको कोप्लेनर होने के लिए ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ये मेरे पास बनेगा जी 4λ - 4 - 2 - 2 - 4 - 2 - 2 and 4। इसको मैं 0 पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से मेरे पास बनता है 4, 4 = 16, ये बनेगा +4, जिसको मैं साइन चेंज करके -4 कर दूंगा, λ - 4, -2 × 4 इज -8, -2 × -2 इज +4, साइन चेंज करके -4, इसके बाद -2, और -2 × -2 इज 4, -2 × 4 इज -8, जिसका साइन चेंज करके हम
प्लस सेट कर देंगे। तो सिंपलीफाई करने से ये बनता है 16 माइनस 4 इज 12 48, और ये बनता है माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 12, तो प्लस 12 लेमडा, और प्लस 12 जब माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 48, और 8 प्लस 4 इज 12, 12 माइनस 2 इज माइनस 24। तो ये दो तो आपस में कट गए, तो 24 इज इक्वल टू 12 लेमडा, और लेमडा इज इक्वल टू 24/2, लेमडा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, हमको तीन वेक्टर्स गिवन हैं और अगर ये कोप्लैनर हैं तो फिर हमारे पास अल्फा 1 1, 1 बीटा 1 1 1, और यहाँ पे जे है, बीटा नहीं है, तो 1 1 और के का जो हमारे पास कोफिशेंट है गैमा, ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 के बराबर हम ले लेते हैं फॉर ए बी सी और कोप्लैनर। अच्छा, अब इसके हिसाब से हम यूँ कर लेते हैं कि अल्फ़ा 1 1, 1 माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस 1, 1 माइनस 1, 0, तो यानी कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दें। इसी तरीके से कॉलम 3 से अगर मैं कॉलम 1 को माइनस करूं तो 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस 1, 0, और गैमा माइनस 1। तो ये हमने वो 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा माइनस 1, गैमा माइनस 1 की फॉर्मेशन बना ली। अब अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करूँ, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो अल्फ़ा बाहर और ये बनेगा बीटा माइनस 1 और गैमा माइनस 1, माइनस 0, उसके बाद माइनस 1 माइनस अल्फ़ा और ब्रैकेट के अंदर गैमा माइनस 1 माइनस 0, और इसके बाद 1 माइनस अल्फ़ा और 0 माइनस बीटा प्लस 1। तो ये जो वैल्यू है इसको मैंने 0 के इक्वल लेना है और इससे रिक्वायर्ड रिजल्ट बनाना है। तो इसके खाते इसको अगर मैं ज़रा तरतीब में लिखूं तो मैं बीटा माइनस 1 को 1 माइनस बीटा और गैमा माइनस 1 को 1 माइनस गैमा करता हूं। इस सूरत में चूंकि इसमें भी नेगेटिव साइन बाहर निकलेगा, इसमें भी नेगेटिव साइन बाहर निकलेगा, तो उसके हिसाब से दोनों नेगेटिव साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास जो गैमा माइनस 1 है उसका अगर मैं नेगेटिव साइन बाहर निकाल के इस माइनस को प्लस कर दूँ तो 1 माइनस अल्फ़ा तो एज इट इज़ रहेगा, गैमा माइनस 1 जो है वो 1 माइनस गैमा हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे ये प्लस का साइन एज इट इज़, 1 माइनस अल्फ़ा भी एज इट इज़, और ये बीटा के साथ नेगेटिव साइन है तो वो 1 माइनस बीटा भी एज इट इज़। अब जो मेरे पास तीन टर्म्स आई हैं तो डिवाइडिंग बाय 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गैमा, तो ये बनेगा अल्फ़ा ओवर 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गैमा तो कैंसिल हो गए, बाकी रह गया 1 माइनस गैमा, सॉरी 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि हमारे पास 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गैमा कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस बीटा गैमा कैंसिल हो गया तो 1/1 माइनस बीटा रह गया, और यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस बीटा कैंसिल तो 1/1 माइनस गैमा इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब रिक्वायर्ड रिज़ल्ट की खातिर मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे अगले स्टेप में हम यूँ करते हैं कि अपनी तरह से 1 ऐड भी कर देते हैं, 1 सबट्रैक्ट भी कर देते हैं, 1 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1/1 माइनस बीटा प्लस 1/1 माइनस गैमा इक्वल टू 0, और इसमें
वन ओवर वन माइनस अल्फ़ा का जो हिस्सा है वो अलग कर देते हैं, और ये माइनस वन प्लस अल्फ़ा में से अगर मैं माइनस वन कॉमन ले लूँ या नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर वन माइनस अल्फ़ा और वन माइनस अल्फ़ा रह जाता है, प्लस वन अपॉन वन माइनस बीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस गामा इक्वल्स टू ज़ीरो। ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को काट देंगी तो वन अपॉन वन माइनस अल्फ़ा प्लस वन अपॉन वन माइनस बीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस गामा, और यहाँ पे जो वन रह गया माइनस वन इनफैक्ट वो दूसरे को जाके प्लस वन हो जाएगा, तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमको प्रूफ करना है कि ए बी सी अगर कोप्लानर हैं तो गिवन ये है कि ए डॉट बी क्रॉस सी ये ज़ीरो के बराबर है। टू प्रूफ कि ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए ये ज़ीरो के बराबर है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, तो ए प्लस बी को तो फ़िलहाल अपनी जगह पे, इनको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तो इसमें ए प्लस बी यहाँ पे बी क्रॉस सी आएगा, यहाँ पे बी क्रॉस ए ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो गई और सी क्रॉस ए जो है ये एज इट इज। अब मैं एक ऐसे सा डॉट लेता हूँ तो ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस अब बी के साथ तो बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए और प्लस बी डॉट यहाँ पे भी बी डॉट सी क्रॉस ए, तो इसमें अब हमारे पास जहाँ जहाँ पे डबल वेक्टर्स हैं वो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट के दो वेक्टर्स अगर हमारे पास सेम हो उनकी दो रोज तो वो ज़ीरो बन जाता है। इस हिसाब से ए डॉट बी क्रॉस सी को छोड़ के ये भी ज़ीरो, ये भी इस ए और ए की वजह से ज़ीरो, ये वाला जो सेट है ये भी ज़ीरो, ये सेट भी ज़ीरो, और इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में ए को बी की जगह, बी को सी की जगह और सी को ए की जगह लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए बी और सी को मूव करने का जो साइक्लिक ऑर्डर है उसके मुताबिक अगर मैं ए को बी की जगह लेकर आऊँ तो बी सी की जगह चला जाएगा और सी ए की जगह। अब ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास सेम आ गए तो टू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू चूँकि ज़ीरो के बराबर है, गिवन है हमको ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये आंसर भी ज़ीरो के बराबर आ गया। हेंस गिवन ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर कोप्लानर। क्वेश्चन नंबर फाइव के सेकंड पार्ट में हमारे पास जो तीन वेक्टर्स हैं उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हम लें ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसका स्केयर जो हमने लेना है, तो अब सी जो है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, मैं सी को जब ए की पोजीशन पर लेकर आता हूँ तो ए बी की पोजीशन पे चला जाएगा और बी जो है वो सी की पोजीशन पे चला जाएगा, तो हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में मूव करते हैं, तो सी ए की जगह पे ए बी की जगह और बी सी की जगह पे हम ऐसे कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास सी ए क्रॉस बी जो है वो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन दम होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास थीटा की, तो यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन 30 का स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करके आएगा सी स्क्वायर जो है वो तो 1 के बराबर हो गया क्योंकि सी जो है वो हमको यूनिट वेक्टर के तौर पर गिवन है। इसके अलावा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ जो साइन 30 की वैल्यू है वो है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 के बराबर होता है, लिहाजा 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको 3 वेक्टर्स को गिवन है, हमने इनके जरिए से वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड मालूम करना है। तो उसका जो हमारे पास फार्मूला है वो है वॉल्यूम इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। तो उसके मुताबिक फर्स्ट लाइन में 2, 3, -4, सेकंड लाइन में बी के जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं 1, 2, -3, फिर सी के कोफिशिएंट्स 3, 1, 1। इसको सिंपलीफाई करने से आता है 2 × 2 × 2, 1, 2 − 3 − 3, जिसको हम साइन चेंज करके प्लस से लिख देंगे। इसके बाद -3, इसका रो कॉलम छोड़ देंगे 1 × 1, 1। 3 × −3 − 9, जिसको हम +9 लिख देंगे। इसके बाद -4, 1 × 1 = 1, 3 × 2 = 6, 3 + 2 = 5, 5 × 2 = 10, 9 + 1 = 10, 10 × 3 = 30, और यहाँ पे 1 − 6 = −5, जिसको के +20। तो इसका जवाब 0 बनता है, तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स आर कोप्लानर, और जब कोप्लानर हैं तो नो पैरेललोपाइप्ड। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है कि हमने इन 4 पॉइंट से बनने वाले टेट्राहेड्रन की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस का वॉल्यूम मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं ए बी वेक्टर मालूम करता हूँ, जो कि बनेगा −1 − 2 − 3, 2 − 1 = 1, 6 − 0 = 6। इस तरीके से ए सी 2 − 2 = 0, 0 − 1 − 1, एंड 3 − 0 = 3। इसी तरीके से ए डी बनेगा 1 − 2 − 1 − 1 − 1 − 2 − 0 − 0 = 0। तो इसके हिसाब से ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको जब मैं 1/6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन मेरे पास आएगा। सो 1/6 × 3 − 3 = 1, 6, 0 − 1 and 3 and −1 − 2 and 0। इसको सिंपलीफाई करके मेरे पास आता है −3 और −1 × 0 = 0, −2 × 3 = −6, जिसको कि हम +6 कर देंगे, −1, 0 × 0 = 0, −1 × 3 = −3, जिसको कि हम +3 कर देंगे, 0 × −2 = 0, −1 × −1 = +1, जिसको हम −1 कर देंगे। सो 1/6 ये बना −18, −3 एंड −6। तो इससे जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है 18 + 3 = 21, 21 × 6 = 27, सो −27/6। नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देंगे तो दोनों जो है 3 पर कटते हैं, 9 × 3 = 27, 3 × 2 = 6, सो 9/2 यूनिट क्यूब।